हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ 1 प्लस टेन 20 डिग्री इनटू 1 प्लस टेन 24 डिग्री इनटू 1 प्लस टेन 25 डिग्री इनटू 1 प्लस टेन 21 डिग्री इज इक्वल टू के। ऑप्शन ए इज के इज इक्वल टू 1, ऑप्शन बी इज के इज इक्वल टू 2, ऑप्शन सी इज के इज इक्वल टू 3, ऑप्शन डी इज के इज इक्वल टू 4। तो यहां पर हमें किसके वैल्यू फाइंड आउट करनी है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये फाइंड करने के लिए की कांसेप्ट पर हमें क्या यूज करेंगे, ये कॉन्सेप्ट है टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला हम इसमें यूज करेंगे। ये हमारा क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में वन माइनस का टेन ए इंटू टेन बी। क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है, गिवन दैट वन प्लस का टेन टू वन डिग्री into 1 plus 10 24 degree 1 plus 10 24 degree और फिर इंटो में हमारा क्या 1 plus 10 25 degree और इंटो 1 plus 10 21 degree इट इज इक्वल टू क्यूब। अगर हम यहाँ पर 20 डिग्री और 5 डिग्री का सम कितना जाएगा, मतलब 45 और 24 और 21 का सम हमारा कितना जाएगा, ये भी 45 डिग्री आ जाएगा। तो हम इसके साथ ले लेंगे 1 प्लस 10 20 डिग्री और इंटू 1 प्लस 10 25 डिग्री और 1 प्लस 10 24 डिग्री 1 प्लस 10 21 डिग्री इज इक्वल टू के। अगर हम इनकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई हमारा क्या जाएगा, 1 प्लस 10 20 डिग्री प्लस 10 25 डिग्री और प्लस का 10 20 डिग्री और इंटू में 25 डिग्री और फिर इंटू में हमारा क्या आएगा, 1 प्लस 10 24 डिग्री और प्लस 10 21 डिग्री और प्लस का 10 24 डिग्री और इंटू में 10 21 डिग्री और इज इक्वल टू हमारा क्या है, के इक्वल। इसको हम लेट के लिए इक्वेशन नंबर दोनों का सम 24 और 1 का सम 45 और 25 और 20 का सम 45। अगर हम यहाँ पर 10 45 को देखें उसको हम कैसे ले सकते हैं, 10 20 डिग्री और प्लस का 25 डिग्री लिख सकते हैं। 10 45 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1, इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 20 डिग्री प्लस 10 25 डिग्री अपॉन में 1 माइनस का 10 20 डिग्री और इंटू में 10 25 डिग्री इक्वल टू 1। तो जिस हिसाब से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 20 डिग्री प्लस 10 25 डिग्री और इक्वल टू 1 माइनस का 10 20 डिग्री और इंटू में 10 25 डिग्री। इसको लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 20 डिग्री प्लस 10 25 डिग्री प्लस का 10 20 डिग्री और इंटू में 10 25 डिग्री इक्वल टू 1। सिमिलरली अगर हम किसके अंदर इसको ब्रेक करें, 21 एंड 24 में ब्रेक करें तो यहाँ से भी हमारे पास आ जाएगा 10 24 डिग्री प्लस 10 21 डिग्री प्लस 10 24 डिग्री और इंटू में 10 21 डिग्री, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से इन सभी की वैल्यूज को इसमें पुट कर देंगे, ये वैल्यू हमारी 1 है, ये भी वैल्यू हमारी 1 है, तो 1 प्लस 1 कितना जाएगा हमारा 1 प्लस 1 एंड 1 प्लस 1 इज इक्वल टू के। तो 2 की जगह कितना आएगा हमारा 4, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।